और जलियांवाला बाग जिसका इंकलाब सुनाता है कि जलियांवाला बाग जिसका इंकलाब सुनाता है। तमाम नाज़रीन, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे अबा हजरात ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया है। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से पहुँचा किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए सभी अली मकान के वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए सरदार भगत सिंह को जब फांसी के फंदे में चढ़ाया गया तो सरदार भगत सिंह ने अपनी जुबान से यह बात निकाली थी, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, कि अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम आए ना उतार की जवानी है। और हमारे फांसी आजादी के सना बना नजर आई। एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खेमों में तबाही मचा रही थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी। सभी अली मकान आपको आज हर तरफ से आजादी की तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति ये है कि जब मुलाजमीन सरकारी दफ्तर में रिश्वत लिए बजाय काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। और असली देशभक्ति तो ये है कि जब हमारे मुल्क में रहने वाले हर मजहब के लोग आपस में मिलकर मुल्क के लिए मोहब्बत का प्रचार करें। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी तकरीर को इस शहर में खत्म करना चाहूंगी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को चलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत शहीदों ने कि लहू देकर की है जिसकी हिफाजत शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। जय श्री शहर। लोगों का बलिदान है और शायद करोड़ों लोगों की साहस और भावनाएं जुड़ी थी जिस वजह से उस अंग्रेज यूं कहे तो उन जालिमों अंग्रेज के जंगलों से 200 सालों की लंबी संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। और हम उन देश के जवानों को भी सत्सत नमन करते हैं, सिर्फ आज के दिन ही नहीं हर 365 दिन, क्योंकि हमारी विज्ञान कहती है कि 0 डिग्री तापमान से नीचे हमारा खून जल जाता है, हमारी आग आग जल जाती है। पर वो फरिश्ते हैं कौन? वो फरिश्ते हैं कौन जो लद्दाख की सियाचिन ग्लेशियर जहाँ की तापमान -30 रहती है और सरहद पे वो खड़े जाते हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो फरिश्ते से कम नहीं है, वो देवता से कम नहीं है। उन जवान सिपाहियों के लिए जिनके बारे में शायद विज्ञान की गलत साबित हो जाती है, कहते हैं 50 डिग्री तापमान से ज्यादा हमारी मार में एक दिन सलाम नहीं 365 दिन सलाम। आज का विशेष दिन उनके लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं, उन शहीदों के लिए, उन हमारे जवान कुमारियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। चलिए तो हमारा आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए